ऐसे ओम का लंबा उच्चारण करते हैं, ओ को लगभग 15 सेकंड में और मैं को लगभग 5 सेकंड में। तीन मात्राएं हैं ओ की और आधी मात्रा है मैं की। ऐसे जब भी योग प्रारंभ करें तो कम से कम 3 बार ओंकार का बोल करके जप कर ले, इससे भी एक दिव्य ऊर्जा हमारे भीतर उत्पन्न होती है। ओम एक डिवाइन साउंड है और ओंकार के बोलने मात्र से हमारी चेतना का दिव्य रूपांतरण होता है। हमने बार बार संकेत किया है कि हमें लोअर कॉन्शियस में नहीं जीना है, हायर कॉन्शियस में जीना है, डिवाइन कॉन्शियस में जीना है, सेल्फ कॉन्शियस में जीना है। हर एक श्वास के साथ हम अपनी आत्मचेतना से, अपनी निजता से, अपने स्वरूप से जुड़े रहे हैं। भगवान के साथ एकात्म होकर के, भगवान के एकत्व में जब हम जीते हैं तो भगवान के दिव्य ज्ञान से, ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय संवेदनाओं और ईश्वरीय सामर्थ्य से युक्त होकर के जीवन जीना, ये योग युक्त जीवन है। आइए भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। श्वासों की तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। हर समय हमारा चित्त भगवान में लगा रहे, हर समय हमारा चित्त समर्थ गुरु में लगा रहे। ये गुरु तत्व और भागवत तत्व हमारे जीवन में दिव्यता प्रदान करते हैं। लंबे गहरे श्वास, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करना। मैंने सामान्य गति, मध्यम गति और तीव्र गति पूर्वक भस्त्रिका करने का प्रशिक्षण आपको दिया, जिसका जैसा सामर्थ्य करते हैं। सांसों के तार तार में हर श्वास के साथ ओंकार का ध्यान, प्रभु का ध्यान, प्रभु की दिव्यता का आधान, प्रभु की दिव्यता को धारण करते हुए। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। सांसों के तार तार में शुभ कर्म करके पुण्य का, शुभ कर्म करके पुण्य का जीवन में बीज बो लो। जीवन में बीज बो लो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। सांसों के तार तार भगवत शरणागति, प्रभो तेरी शरण, हे नाथ हे नारायण मैं तुझे भूलू नहीं, हर पल तेरे अंग संग जी। सृष्टि के कण कण में, क्षण क्षण में प्रभु तेरा एहसास, तू सदा मेरे पास, बस तुझे अनुभव करो, तेरी महिमा को अनुभव करो। विष्णु कर्माणि पश्यत यतोक्तानि पश्यसि इंद्रस्य युज्य सखा। जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना। जीवन का एक
अनमोल है खजाना, इनमें से एक पल भी नहीं लौट के है आना, इनमें से एक पल भी नहीं लौट के है के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, सांसों के तार तार में आनंद रस से अपना अंतःकरण भिगो लो, अंतःकरण भिगो सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, सांसों के तार तार में श्वासों के साथ शुभ का आधान, दिव्यता का आधान, देवत्व का आधार, धर्म का आधार, सत्य का आधार। ओम पूर्वस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रभु आपसे ही तो सब कुछ है, आपको कैसे और आपके लिए ही सब कुछ है। प्रभु मेरा ये जीवन भी आपके लिए ही समर्पिता, आप ही का दिया हुआ ज्ञान, आप ही की दी हुई संवेदनाएं, आप ही का दिया हुआ सामर्थ्य, सब कुछ प्रभु आपके लिए हो। मेरा सर्वस्व आपके लिए। ओम भू प्रभु आप ही तो प्राणों के आधार हो, भू सब दुख दूर करने वाले, सब सुख देने वाले, तत् सवितु ही सविता, ही सब जगत की उत्पत्ति करता, पालन करता, संहरता, तत् सवितु वरेण्यम प्रभु आप का मैंने वर्ण किया, आप ही का वर्ण करो, आपके सिवा और वरेण्य यहां है ही क्या, वर्णीय यहां है ही क्या, आपका वर्ण कर लिया, आपको पा लिया, आपको स्वीकार कर लिया तो सब कुछ पा लिया। प्रभु मेरे सारे क्लेशों को भस्म कर दो, देवस्य धीमहि मैं प्रभु आपकी दिव्यता को धारण करते हुए प्रतिपल जीव, धियो यो न प्रचोदयात्। आप ही मेरी बुद्धि को सन्मार्ग पर चलाना, धर्म के सत्य के मार्ग पर चलाना। लंबे गहरे श्वास, हर सांस के साथ प्रभु के साथ एक रूपता, प्रभु के साथ एकात्मता, एकत्व, यही तो योग है, यही तो ध्यान है, यही तो समाधि है, और यही तो जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान है। समाधि ही समाधान है। जाने की निशानी मीठी सी उनकी वाणी, जाने की निशानी मीठे से बोल में है प्रभु की झलक सुहानी, मीठे से बोल में है प्रभु की झलक सुहानी। बोलो तो मीठे बोल ही, बोलो तो मीठे बोल,
आसों के तार तार हर सांस के साथ ओम का चिंतन, ओम का स्मरण। योग के समय, कर्म योग के समय हर पल भगवान की शरणागत। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं रच, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मास। यदंगदाशु से त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत् सत्यमंगिरा। प्रभो तेरी बीते का हम भुला कर वो मिट गया अंधेरा, बीते का हम भुला गया अंधेरा। उल्टी जहां पे आंखें होता वहीं सवेरा। जब आंखें खुल जाए तभी सवेरा, और वो भीतर की आंख खुल जाए। जब हम प्रकाश की स्थिति में होते हैं, ज्ञान की अवस्था में होते हैं, जब हम समर्थ गुरु के सानिध्य में होते हैं, जब हम सत्संग में होते हैं, जब हम विवेक की ज्ञान की अवस्था में होते हैं, जब प्रकाश हमारे सामने होता है ना, तब कितना अच्छा लगता है। और जैसे ही अंधेरा छा जाता है, अज्ञान छा जाता है, बस वहीं से दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। इसलिए हमेशा आंखें खुली रहे, हमेशा अंतःकरण में प्रकाश रहे ज्ञान का, विवेक का, और फिर देखो जीवन जीने का आनंद ही कुछ और होगा। जीते जी ही मुक्त हो जाओगे। और बस एक बार जो प्रकाश पाया, फिर वो प्रकाश हटना नहीं चाहिए, वो प्रकाश बना रहे। तो इसी में विवेक पूर्वक जीवन जीना, ज्ञान पूर्वक जीवन जीना। अज्ञान ही सारे दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता का कारण है, और ज्ञान में ही सारा समाधान है। बीते का हम भुला कर वो मिट गया अंधेरा, खुलती जहां पे आंखें होता वहीं सवेरा। तेरे द्वार गुरु पधारे, तेरे द्वार गुरु पधारे, अंतर के नैन खोलो, अंतर के नैन खोलो, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो, सांसों के तार तार शुभ कर्म करके पुण्य का, शुभ कर्म करके पुण्य का, जीवन में बीज बोलो, जीवन में बीज बोलो, सांसों के तार तार प्यार को फिरो, सांसों के तार तार प्रभु प्यार को फिरो, सांसों के तार तार, सांसों के तार तार, सांसों के तार हर एक श्वास में प्रभु का चिंतन। सब मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम्, ओम तत्सत्,
ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म ओम ओम। कि आपको प्राणायाम मंत्र दिया, ओम भूम भुवम स्वम अहम जनम तपम सत्यम, आपको कुछ नहीं आता तो एक ओंकार मंत्र तो आता है ना, जन्म औषध मंत्र तव समाधि सिद्ध। महर्षि पतंजलि कहते हैं कुछ सिद्धियां कुछ शक्तियां विभूतियां हमें जन्म से प्राप्त होती हैं, कुछ शक्तियां हमें औषधियों से प्राप्त होती, जन्म औषधि मंत्र से तप से ओंकार का जप और प्राणायाम का तप करो सारी शक्तियां और सारी सिद्धियां तुम्हें मिल जाएंगी। आपने बहुत सुना है फला महापुरुष बड़ा सिद्ध महापुरुष था, ये सिद्ध स्थान है, ये सिद्ध तीर्थ है। अरे तुम स्वयं चलते फिरते तीर्थ, बाहर के मंदिरों में तो हमने पाषाणों की प्रतिमा लगा रखी है, वो प्रतिमाएं देखती नहीं है आंखों से कानों से सुनती नहीं है, हमने भावना की भी है कि ये देव प्रतिमा है, ये सारा ब्रह्मांडी तो भगवान का बनाया हुआ है, इसलिए सारा ब्रह्मांडी भगवान का मूर्त रूप है, फिर एक प्रतिमा विशेष में ही तुम देवत्व का आभास करो और बाकी जगह ना करो तो ये तो कहीं ना कहीं भूल हो रही है ना। बाहर के मंदिरों में लगे भी पाषाण की प्रतिमाएं देखती नहीं है, सुनती नहीं है, बोलती नहीं है, खाती पीती नहीं है, श्वास नहीं लेती है, तुम भगवान की जीती जागती प्रतिमा हो जो आंखों से देखते हो, कानों से सुनते हो, वाणी से बोलते हो और सांस लेते हो, खाते पीते हो, भगवान को बाकी तो भोग लगाते हैं, मैंने देखा लोग घंटी बजाते हैं और खुद ही खा जाते हैं। तुम चलते फिरते भगवान हो, जीते जागते भगवान हो, तुम खाते हो तो भगवान ही को भोग लगाओ। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना। पूरा जीवन तुम्हारा भगवान की पूजा बन जाए। प्रात प्रवृत्ति सायं अंतयत करोमि जगन माता तत् सर्वं पव तव पूजनम्। यत् करोसि यदस्नासि यजुहोसि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदार्पणम्। सुबह से शाम तक हर पल ऐसे भगवान के अंग संग जीवन को जिए और भगवान के मूर्त रूप होकर के, भगवान ही के प्रतिरूप होकर के, भगवान ही के दिव्य स्वरूप होकर के, चलते फिरते देवालय शिवालय होकर के, स्वयं शिव रूप होकर के, तत्त्वमसि शेतके तो प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, स्वयं ब्रह्म रूप होकर के जिए भगवान के दिव्य ज्ञान से। देखो तीन ही तो सामर्थ्य, एक ज्ञान का सामर्थ्य, एक निष्ठा का सामर्थ्य, एक पुरुषार्थ का सामर्थ्य। ज्ञान भगवान का दिया हुआ सारी संवेदनाओं के, प्रेम करुणा वात्सल्य आदि सब, मैत्री आदि दिव्य भावों के मूल में भगवान, सारी शक्ति के मूल में भगवान, सारे ज्ञान के मूल में भगवान, सारे सुख शांति के मूल में, पिंड ब्रह्मांड के मूल में भगवान, अपना है ही क्या, सब कुछ भगवान ही का तो है, भगवान ही के लिए तो है, और सारा विश्व इसी की तो वंदना उपासना कर रहा है। यात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, यस्य विश्व उपासते, सारा विश्व प्रभु की वंदना कर रहा है। प्रशिषम यस्य देव, और भगवान के विधान में ही जी रहा है, भगवान के अनुशासन में ही जी रहा है। यस्य छाया मृतम यस्य मृत्यु, भगवान का आश्रय ही, भगवान की छाया, भगवान की कृपा, भगवान का अनुग्रह ही अमृत सुख देने वाला है। एक एक श्वास इसे भगवान के अंग संग जिए, और अभी अभ्यास हो जाए सुबह सुबह, फिर दिन भर ऐसे ही जीने का अभ्यास हो जाए। जिनका लंबा कपाल भाती करने का अभ्यास नहीं है, कपाल भाती 5 मिनट किया थक गए तो अनुलोम विलोम कर लिए, अखंड रूप से प्राणायाम चलता रहे। प्राणायाम का अखंड तप, प्राणायाम परमम तपः, प्राणायाम परम तपः, ऐसा कहे कि वैदिक साहित्य में, वेदों में, उपनिषदों में प्राण की महिमा कही, प्राणायाम की महिमा कही।
प्राणायाम का अखंड तप, ओंकार का भगवान का अखंड जप। कपाल भाती करते करते थक जाए तो अनुलोम विलोम कर ले, रुकना नहीं है। पृथ्वी सूरज चांद सितारे सभी बनाए न्यारे न्यारे, पृथ्वी सूरज चांद सितारे सभी बनाए न्यारे न्यारे, चिंतन और मनन से उसकी, चिंतन और मनन से उसकी ताकत का अनुमान करो। प्रातः सांझ गुरु का वंदन परमेश्वर का ध्यान करो, प्रातः सांझ गुरु का वंदन परमेश्वर का ध्यान करो। सबका सृजनहार वही है, रक्षक प्राणाधार वही है, सबका सृजनहार वही है, रक्षक प्राणाधार वही है, अपने अंतःकरण के अंदर, अपने अंतःकरण के अंदर गहरा अनुसंधान करो। प्रातः सांझ गुरु का वंदन परमेश्वर का ध्यान करो, प्रातः सांझ गुरु का वंदन परमेश्वर का ध्यान करो। ऋषियों का पैगाम यही है, चिंतन का परिणाम यही है, ऋषियों का पैगाम यही है, चिंतन का परिणाम यही है, करके भजन प्रभु का निष्दिन, करके भजन प्रभु का निष्दिन जीवन का उत्थान करो। प्रातः सांझ गुरु का वंदन परमेश्वर का ध्यान करो, प्रातः सांझ गुरु का वंदन परमेश्वर का ध्यान करो। ये तन मन जीवन जिसने दे, तन मन जीवन जिसने दे, उस
उसका सब गुणगान करो प्रातः समान गुरु का वंदन परमेश्वर का ध्यान करो प्रातः समान गुरु का वंदन परमेश्वर का ध्यान करो परमेश्वर का का प्राणायाम करो तब भी श्वास भरा तब मन में ओम का ध्यान